भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ है। 18 पुराण 6 शास्त्र के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का प्रागट्य दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य गुरु नहीं बना पाता है उसका जीवन अधूरा माना जाता है, उसे निगुरा माना जाता है। और बिना गुरु के कोई भी व्रत, उपवास, सिद्धि साधना इत्यादि सफल नहीं माने जाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक होता है और गुरु भी योग्य विद्वान को ही बनाना चाहिए। यदि कोई और नहीं मिले तो आप ईश्वर को भी अपना गुरु मान सकते हैं, भोले बाबा को भी अपना गुरु मान सकते हैं, भगवान नारायण को भी अपना गुरु मान सकते हैं, या अन्य कोई भी देवी देवताओं को आप अपना गुरु मान सकते हैं। लेकिन जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। और गुरु हमको चलना सिखाते हैं। बचपन में जब हमारा जन्म होता है तो माता हमारी गुरु होती है, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पर शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। और शिक्षा के दौरान जितने भी गुरु हमें पढ़ाते हैं वो सभी हमारे गुरु होते हैं। और उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो पिता के माध्यम से जीवन शैली हमको सीखने को मिलती है। इस प्रकार जीवन में माता और पिता भी गुरु माने जाते हैं तथा आचार्य को भी गुरु माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, यानी जहां से जो सीखने को मिला उसी को उन्होंने गुरु मान लिया था। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। और गुरु के ऋण चुकाने का जो सबसे बड़ा महान पर्व होता है वो गुरु पूर्णिमा होता है। जब हम गुरु के माध्यम से कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और गुरु से हमको सीखने को मिलता है, गुरु से हमें सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। और गुरु से जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम उसके बदले में गुरु को कुछ न कुछ अवश्य दें। वैसे तो गुरु का जो ऋण होता है वो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये ऋण जीवन में कभी भी चुकाए नहीं जा सकते हैं। फिर भी हम अपनी ओर से निरंतर प्रयास करते रहें कि प्रत्येक वर्ष जब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आए तो उस दिन गुरु का पूजन करके उनको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य दे। यानी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दान पुण्य करने से पूरे वर्ष का जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में अपराध हो जाता है उसको प्रायश्चित के रूप में गुरुदेव क्षमा कर देते हैं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जब शिष्य गुरु से कुछ न कुछ प्राप्त करता है तो बदले में उसे गुरु दक्षिणा अवश्य देना होती है। और जब शिष्य लायक हो जाता है, इस योग्य हो जाता है कि वह जीवन में कुछ न कुछ गुरु को अवश्य दे, तो उसे देना चाहिए। गुरु की तुलना ईश्वर से भी बढ़ करके बताई गई है। लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं तो सबसे पहले चरण स्पर्श किसका करना चाहिए? बलिहारी गुरु आपकी, यानी गुरुदेव आपकी कृपा हुई जो मुझे गोविंद की प्राप्ति हुई।
गोविंद के पास पहुंचने का मार्ग गुरु ने ही बताया है। जब तक योग्य गुरु नहीं होंगे तब तक आप ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए जीवन में योग्य गुरु होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु के पास का समग्र ज्ञान जब शिष्य ग्रहण कर लेता है और जब गुरु के पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं रह जाता है तब गुरु दक्षिणा सार्थक होती है, यानी शिष्य जब गुरु के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब उसे बदले में गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा तो उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। यह अर्जुन के शिष्य के रूप में द्रोणाचार्य के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव था। इसी प्रकार जब एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब उसने कहा कि गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं और आपकी कृपा से ही आपकी मूर्ति को गुरु मान करके मैंने धनुर्विद्या ग्रहण की है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्र तब तो तुमको मुझे दक्षिणा देना होगी। एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप जो आदेश करेंगे वही दक्षिणा मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। एकलव्य ने खुशी खुशी अपना अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इससे एकलव्य का अहित नहीं हुआ बल्कि एकलव्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और इतिहास में आज भी यदि सबसे बड़ा कोई शिष्य माना जाता है तो वह एकलव्य माना जाता है। गुरु का प्रेम दिखने में कठोर होता है किंतु इससे शिष्य का जरा भी अहित नहीं होता है। गुरु का पूरा जीवन अपने शिष्य को योग्य अधिकारी बनाने में लग जाता है। गुरु तो अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं मगर दूसरा कर्तव्य शिष्य का है, वह है गुरु दक्षिणा। और सनातन धर्म में गुरु दक्षिणा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अंत में शिष्य जब अपने घर जाता है तब उसे गुरु दक्षिणा देनी होती है। गुरु दक्षिणा का अर्थ कोई धन या दौलत से नहीं है, कोई वैभव से नहीं है। यह गुरु के ऊपर निर्भर होता है कि वह अपने शिष्य से किस प्रकार की गुरु दक्षिणा की मांग करे। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा के रूप में भी कई बार गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं। कई बार गुरु दक्षिणा में शिष्य ने गुरु को वही दिया है जो गुरु ने चाहा है। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य के जीवन का परम कर्तव्य बन जाता है और कई बार तो यह जीवन मृत्यु का भी प्रश्न बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के आदेश से पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु के आदेशानुसार शेरनी का दूध निकाल करके लाए थे और गुरु दक्षिणा के रूप में पूरे महाराष्ट्र को जीत करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ने अवंती काबोरी में सांदीपनी जी के आश्रम में कुछ ही महीनों में समस्त प्रकार की विद्याएं ग्रहण की थी और शिक्षा को पूर्ण उन्होंने किया था। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु दक्षिणा देने की बारी आई। गुरु ने भगवान कृष्ण से बहुत दिन पहले उनके पुत्र को समुद्र में एक मगर ने निगल गया था उसी को ला देने की बात कही थी। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को पुत्र के लिए आर्त देख करके उनका पुत्र ला देने की प्रतिज्ञा की और कृष्ण बलराम ने यमपुर जाकर के यमराज से उनके पुत्र को वापस ला करके दे दिया था। इस प्रकार गुरु को जो है दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण और बलराम ने उनके पुत्र को प्रदान किया था। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं जिनमें गुरु के आदेश पर शिष्यों ने उनको सब कुछ समर्पित कर दिया। महर्षि बुद्ध का ही असर था कि अंगुलीमान जैसा कुर डाकू भी भिक्षु बन गया था। गुरु की शक्ति और सामर्थ्य ऐसा ही होता है। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी को और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा था, उसी प्रकार अगर आप योग्य शिष्य हैं तो आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वयं ही आपको ढूंढ लेंगे। आप तैयार रहें उनको दक्षिणा देने के लिए, अर्थात अपने समस्त अहंकार, घमंड, ज्ञान, अज्ञान, पद व शक्ति, अभिमान सभी गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। आपको तय करना है कि आपको
पुट्टल वाला शिष्य बनना है या जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता है वैसा शिष्य बनना है। गुरु पूर्णिमा की बड़े दिव्य महिमा है, इसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। गुरु पूर्णिमा एक तरह से गुरु के कर्ज को उतारने वाला दिन माना जाता है और इस दिन प्रत्येक शिष्यों को अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन यदि आप चाहें तो किसी योग्य गुरु से गुरु दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं या आप किसी देवी देवता को भी अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु दीक्षा प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन गुरु पूर्णिमा का होता है। अब हम आपको गुरु पूर्णिमा की जो सबसे प्राचीन कथा है वह सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा का जो महापर्व होता है वह गुरु की पूजा का पर्व माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। वो कथा महर्षि वेद व्यास जी के प्रागट्य की कथा है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देवायन था। उन्होंने वेदों का विभाग किया था। वेदों को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किए थे तथा 18 पुराणों की रचना भी वेद व्यास जी के द्वारा हुई थी, इसलिए उनका नाम व्यास जी रखा गया। महर्षि वेद व्यास जी के पिता महर्षि पारासर थे तथा उनकी माता का नाम सत्यवती था। भारत वर्ष में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा की जाती है। इनके साथ ही महर्षि वेद व्यास जी की भी पूजा की जाती है। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के काला अवतार माने गए हैं। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया था कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और बुद्धि और शक्ति घट जाएगी, इसलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन कराना और उनको समझ लेना संभव नहीं रहेगा। व्यास जी ने यह जान करके वेदों के 4 विभाग कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ समझ नहीं सकते हैं उनके लिए महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत में वेदों का सभी ज्ञान आ गया। धर्मशास्त्र नीति शास्त्र उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से बताई गई है। इसी प्रकार जो 18 पुराण है, चूंकि 18 पुराण को पढ़ पाना सभी के लिए संभव नहीं था, इसीलिए महाभारत और अन्य समस्त ग्रंथों का समाहित करते हुए उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गई। और श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद है तथा इस श्रीमद् भागवत कथा में सभी प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है और इस कथा की रचना भी महर्षि वेद व्यास जी के माध्यम से ही हुई है। इसके अतिरिक्त पुराणों की अधिकांश कथाओं द्वारा हमारे देश समाज तथा धर्म का पूरा इतिहास महाभारत में आया है। महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक और उपदेशप्रद है। सब प्रकार की रुचि रखने वाले लोग भगवान की उपासना में लगे और इस प्रकार सभी मनुष्यों का कल्याण हो, इसी भाव से व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम
रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए वेद व्यास जी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, फल दान करना चाहते हैं, गुरु या ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज दीजिएगा, तथा अपनी ओर से जो नगद राशि धन राशि आप प्रदान करना चाहते हैं वो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोनपे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुरु पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।